हटा हाथ मेरे बकरे से। अगर बकरा लेने की औकात नहीं है तो तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू मेरे बकरे के साथ खेले। सारिम तू तो मेरा दोस्त है और तू ही ऐसा कर रहा है। मेरे अब्बू ने मुझसे वादा किया कि इस बार मुझे जरूर लेके देंगे बकरा। हाँ, तेरे अब्बू तो तुझे हर साल पागल बनाते हैं और इस बार भी नहीं लेके देंगे बकरा। बस जो मैंने कह दिया उस पे अमल कर और जा यहाँ से। सारिम तू ये ज्यादती कर रहा है और भूल रहा है कि हम अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं कुछ देर तेरे बकरे को प्यार कर लूंगा तो तेरा इससे कुछ चला तो नहीं जाएगा। दोस्ती भी बराबरी की होती है। हर साल मैं बकरा लाऊं और तू उससे खेले, वाह। अगर तू नहीं जा रहा है यहाँ से तो मैं खुद चला जाता हूँ अपना बकरा लेके। लेकिन तू मेरे पास तभी आई जब तेरे पास बकरा हो। अली बेटे तू रो क्यों रहा है? क्या तुझे किसी ने मारा है? मुझे किसने मारना है? मुझे तो आपके दिलासों ने मारा हुआ है। लोगों के बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। बेटा मैंने तुझे कौन से दिलासे दिए हैं और क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? कभी तुझे किसी चीज की कमी आने दी है? अब्बा ईद का मौका है, जब से मैंने होश संभाले तब से आपने बकरे के नाम पे झूठे दिलासे दिए हैं लेकिन कभी लेकर नहीं आए। बस मैं क्या बताऊं मेरे बेटे, तेरा बाप है ही इतना गरीब जो तेरी ये खुशी पूरी नहीं कर सकता। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं तेरे लिए बकरा खरीद सकता। आसपास कोई है तो नहीं? चलो बच्चे की खुशी के लिए आज ही एक कदम उठा ही लेता हूँ। अली अली बेटा जल्दी बाहर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। अबू क्या ये बकरा हमारा है और आप ले भी आए? हाँ हाँ बेटा ये बकरा हमारा है, बस तू घर ले जा इसे, बाहर ना लेके निकली। ये ले। नहीं नहीं अब्बा, सबसे पहले ये बकरा मैंने सारिम को दिखाना है, फिर मैं लेके जाऊंगा घर। सारिम को दिखाना है? चल दिखा ले, लेकिन ज्यादा दूर लेके जाने की जरूरत नहीं है, फौरन से दिखा के घर ले जा इसे। ठीक है अब्बा, मैं उसे दिखा के फौरन ले आऊंगा वापस। ये देख मेरे अबू ने मुझे ला भी दिया बकरा। वाह तूने ले भी लिया बकरा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने तुझे कहा था ना मेरे अब्बा इस बार जरूर बकरा लेके आएंगे, और देख कितना प्यारा बकरा लाए हैं। हाँ यार है तो बहुत प्यारा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है तेरा पहली दफा बकरा देख के। चला जा मैं एक तस्वीर बनाते हैं। चल यार अब मैं चलता हूँ, अबू ने कहा था जल्दी वापिस आ जाए, अब शाम को मिलेंगे। चल ठीक है, होती है फिर मुलाकात। सारे सुबह से शाम तक बकरा ही घुमाता रहेगा या कुछ पड़ेगा भी? नहीं नहीं बाबा, सुबह मैं ट्यूशन गया था, बकरा तो मैं भी लेके निकला हूँ। चल ठीक है फिर घर चल, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, और जाके इस बेजुबान को भी कुछ पानी वगैरह दे। ठीक है बाबा। और आपको एक बात बताऊँ, इस बार अंकल रशीद वगैरह ने बकरा लिया है, अली मुझे भी दिखाने आया था। रशीद ने?
कमाल है, इतनी महंगाई के दौर में उस दिहाड़ीदार मजदूर ने कैसे बकरा ले लिया? जी बाबा, उन्होंने बहुत प्यारा बकरा लिया है। मेरे पास तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बकरा तो कुछ देखा देखा लग रहा है बाबा। बकरों जैसे ही बकरे होते हैं, देख लिया होगा आपने कहीं पे। खैर ये बताएं, बकरा है कैसा? हाँ ये बात भी तेरी ठीक है, शायद मुझे गलत फहमी हो रही हो। नहीं माशाल्लाह बकरा तो बहुत प्यारा है। चल घर चलें। हेलो अतीब यार, मेरा बकरा तो चोरी हो गया, इतना ढूंढा पर कहीं नहीं मिल रहा। ओहो चोरी कैसे हो गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो हम लेकर आए हैं। यार मैंने भायरी बांधा हुआ था, पता नहीं कौन खोल के ले गया। कोई खोल के ले गया? बल्कि यार मुझे लगता है कि मैंने तेरा बकरा देखा है आज। क्या तुझे पता है किसके पास है? हाँ तू जल्दी से आ जा और समझ के तेरा बकरा मिल गया। ओके ओके मैं अभी आया अभी आया। हाँ यही तो है मेरा बकरा। चलो फिर चलें, देर किस चीज की है? चोर कहीं के, ये बकरा तो मेरा है। नहीं नहीं अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं, ये बकरा तो आज ही मेरे अब्बा खरीद के लाया। ये तो अब थाने जाके ही पता चलेगा, जब पुलिस लगाएगी ना छितर, फिर तू बताएगा ये तूने चोरी किया या तेरे अब्बा ने। ना कुरैशी साहब इतना जुल्म ना करो, ये छोटा सा बच्चा है और ये गरीब लोग हैं। आप ऐसा करो इसको मेरे घर ले चलो, इसके बाप को फोन करके मैं वहीं बुला लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है। चल ठीक है फिर चल। हमारे बेटे को कोई कोठी वाला अतीब पकड़ के ले गया है। हमारे बेटे को वो कोठी वाला अतीब पकड़ के ले गया, लेकिन क्यों? पता नहीं, वो कह रहे थे कि हमने कोई बकरा चोरी की है। अच्छा उस बकरे की वजह से, चलो मैं जाता हूँ पता करता हूँ। अच्छा तो ये है इसका बाप, अब यही बताएगा कि ये बकरा इसके पास कैसे आया। सब पता चल जाएगा। बेटा तुम ऐसा करो साइड पे ले जाओ बकरे को और खेलो, अभी बुला लेते हैं तुम्हें। अब तो खुद ही बताएगा ये हम तेरे से उगलवाएं। नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं भाईजान, आपको तो पता है कि मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हूँ, बस मजबूरी में आके ये कदम उठा बैठा। मजबूरी तो हम तेरी देखेंगे बाद में, अभी करते हैं पुलिस के हवाले, लग पता जाएगा कि किसी की चीज चोरी करने का क्या अंजाम होता है। एक मिनट कुरैशी साहब, उस बेचारे की सुन तो लें कि ऐसी क्या मजबूरी थी, बताओ। भाईजान बस गरीब होना ही जुर्म है, आज तक गुर्बत की वजह से मैं घर में कभी कुर्बानी नहीं कर सका। बच्चा हर साल हसरत करता रह जाता है कि हमारे घर में भी कुर्बानी हो, लेकिन इस साल मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं ये गलती कर बैठा। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि गलती तो हमारी है, हमें कभी इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि ईद सिर्फ अमीरों की नहीं होती बल्कि गरीबों की भी होती है। और जब गोश्त देने की बारी आती है तो हम अपने फ्रिज तो भर लेते हैं लेकिन इन गरीबों को भूल जाते हैं। जी भाईजान आप सही कह रहे हैं, अब जैसे आप सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, चाहे आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें। नहीं नहीं तुम्हारी अब कोई सजा नहीं बनती, वो बकरा तुम मेरी तरफ से तोहफा समझ के रखो, अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैं और भी खरीद सकता हूँ। अच्छा भाईजान वाकई, लेकिन मैं अपने बेटे की नजरों में तो चोर बन चुका हूँ, अब ये बकरा मैं क्या करूँगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, इसीलिए तो हमने उसको साइड पर भेज दिया था, उम्मीद है उसे कुछ पता नहीं चला होगा, बाकी तुम उसको खुद ही समझा देना। चलें ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो बेटे घर चलें। लेकिन अब्बा ये बकरा, वो तो कह रहे हैं ये हमारा है। नहीं नहीं बेटा ये बकरा उनका नहीं है, ये हमारा है, बल्कि वो गलतफहमी की वजह से इस बकरे को अपना समझ बैठे। चलो अब चलें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।